नमस्ते, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों स्वागत है। आज जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, कप्तान साहब तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। और ये साफ तौर पर जो है, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुआ तो वहां पर भी दिख रही है, रोहित शर्मा काफी ज्यादा निराश थे अपने गेंदबाजों से। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाई अगले मैच में देखेंगे कि हमारी बॉलिंग यूनिट क्या होगी। यानी कि रोहित शर्मा ने बदलाव के संकेत दे दिया। वैसे अगले मैच में हार्दिक पांड्या तो आए, सॉरी जसप्रीत बुमराह तो आएंगे ही, लेकिन आज हार्दिक पांड्या के भी रोहित शर्मा ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या ने आज शानदार बल्लेबाजी की और 200 रन जो है, हमेशा हर मैच में आप स्कोर बोर्ड पर नहीं लगाते और 200 रन बनाने के बाद भी अगर आप रन डिफेंड नहीं कर पा रहे तो फिर आपको यानी कि आपकी गेंदबाजी में दिक्कत है। साफ तौर पर रोहित शर्मा ने अपने गेंदबाजों से जो है उनकी आलोचना की है। निराशा साफ तौर पर जो है रोहित शर्मा के बयान में दिखा भी है। और हालांकि इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भी क्रेडिट दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स भी लगाए थे जिसकी वजह से जो है मुकाबला हम लोग हारे, लेकिन अगर मैं इंडियन टीम की जगह हम लोग चेज कर रहे होते तो चार ओवर में अगर 60 रन भी बनाने होते तो हम लोग जो है बैक करते खुद को कि नहीं यार, हम चार ओवर में 60 रन बना सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने आज वही किया है। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट गेम ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन हाँ, हम लोग बदलाव तो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगले मैच में रोहित शर्मा बड़ा बदलाव करने वाले हैं, चाहे भुवनेश्वर को वहां हटाएं, उमेश यादव को हटाएं, जिसे भी हटाएं, लेकिन हाँ, जसप्रीत बुमराह अगला मैच खेल रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए स्पोर्ट्स चौक के साथ बने रहिए। जय हिंद।